ये गाड़ी बैठ जाती है बहुत लोगों ने कहा, और हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये दिखाया भी, तो अब इसका इतना भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा पूरा का पूरा। क्लैडिंग के अंदर भी जगह है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनफ। आज एक और बार हम Hyundai Exter लेके आ गए हैं, ये इसका एस वेरिएंट है। सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो, मेरा नाम है उस्मान और आज इन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो फीचर्स के साथ साथ आप पहले इसके लुक्स एंजॉय कर लो कि कैसी मिल रही है। फुल वाइट कलर की है क्योंकि वाइट कलर काफ़ी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लेने में, तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि वाइट कलर अवेलेबल हो तो मैं उसकी वीडियो बना पाऊँ। देन यहाँ पे अगर इसके प्राइसिंग वगैरह की मैं बात कर लूँ तो 7,27,000 एक्स शोरूम में आपको ये पड़ जाएगा, और ऑन रोड 8,30,000 टू 8,40,000, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। फ्रंट सबसे पहले आप देख लो तो यहाँ पे आपको ये DRLs मिल जाते हैं, इसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। एच शेप के DRLs है, ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट हाँ जो लाइट्स है वो आपको यहाँ पे हैलोजन में दी जाती है, और ये कुछ ऐसी लग रही है देखने में। थ्रो इसका ठीक ठाक है, बाकी फ्रंट में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ मिल जाएगा, नीचे लाइसेंस प्लेट लग जाती है, और जो स्कफ प्लेट है वो आपको ऐसे कुछ दी गई है जैसे इस पर स्क्रूज़ लगे हुए हैं, तो बट हाँ इसका डिज़ाइन ही ऐसा है बट इसमें कोई स्क्रूज़ वगैरह ऐसे नहीं लगे हुए हैं। फ्रंट ग्रिल आपको फुल पियानो ब्लैक में मिल जाएगी, और अगर हम इसका बोनेट हुड रिलीज़ कर लें तो ये आपको इसका इंजन बे देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड कोई भी आपको इंसुलेशन वर्क नहीं दी गई, बट हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, 4 सिलेंडर इंजन है तो रिफाइनमेंट आपको अच्छी मिलती है, और कैबिन के अंदर आपको इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं मिलती। पीछे की साइड आपको इंसुलेशन वगैरह अच्छी खासी दी गई है, सो 83 BHP की पावर मिलती है एंड 114 Nm ऑफ टॉर्क आपको इसमें मिल जाएगा। सो एक साइड की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, नीचे आपको अनकवर्ड मिलेगा। मैं अपना शूज़ थोड़ा सा आगे कर देता हूँ तो ये दिख रहा है, नीचे का पैनल अनकवर्ड ही होता है। इस सेगमेंट की कोई भी आप गाड़ी देख लो, गाड़ी साइड से कुछ ऐसी देखने में लगती है। फुल क्लैडिंग वर्क आपको इसकी बॉडी पे मिल जाएगा, यहाँ पे स्टील रिम में व्हील्स आ जाते हैं लेकिन व्हील कब दिया गया तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देन यहाँ पे मैं साइड फेंडर पे दिखा दूँ तो आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ मिल जाता है इंस्टेड ऑफ ORVM पे इस वेरियंट में, ये चीज़ भी आप नोटिस कर सकते हो। बाकी फुल जो जितने भी डोर हैंडल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे बॉडी कलर्ड, एंड देन आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है 185 mm की, और व्हील बेस आपको 2.45 मीटर्स का दिया जाता है, तो विच इज़ गुड। वो चीज़ आपको अंदर भी दिखेगी कि अंदर स्पेस इस गाड़ी में बहुत अच्छी दी गई है, चाहे आप लेग रूम की बात कर लो या ऊपर जो हेडरूम आपको मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, वो मैं अंदर चल के भी दिखाऊंगा। तो ये आपको ORVMs मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल, और यहाँ पे की इंसर्ट मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर इसमें नहीं आता। ऊपर की साइड आप देख लोगे जो हेडरूम ज़्यादा होने का रीज़न है, यहाँ से आप देखोगे तो ये थोड़ा सा रेज्ड है जिसकी वजह से अंदर की स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगी। एंटीना आपको मिल जाता है यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिल जाएगा, इसमें रियर वाइपर वॉशर वगैरह कुछ ऐसा डिफॉगर वगैरह नहीं दिया गया, बट हाँ मैं इसकी अगर बूट स्पेस ओपन कर लूँ तो यहाँ पे इस गाड़ी में कमाल कर दिया है। 391 लीटर्स की आपको इसमें बूट स्पेस आ जाती है, पार्सल ट्रे भी दी गई है, और यहाँ पे बॉक्सी डिज़ाइन होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लगेज इसमें लेके जा सकते हो। यहाँ पे दिखा दूँ तो ये इसका स्टील रिम में दिया गया है स्पेयर व्हील, और स्पेयर व्हील से याद आया कि बाकी व्हील्स भी मैं आपको इसके दिखा देता हूँ, तो इसको सबसे पहले क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा की बैजिंग मिल जाएगी, पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर आ जाता है। व्हील्स का डिज़ाइन ऐसा कुछ है, मतलब ये जो इसका व्हील कप है इसका ये डिज़ाइन है, अपोलो के व्हील्स दिए गए हैं। टायर सेक्शन है 165/70 R14, तो टायर साइज़ कहीं ना कहीं छोटा लग रहा है, और टायर सेक्शन 165 की जगह अगर 75 होता या 85 होता तो और भी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट रहता था। अब काफ़ी लोगों का वो डाउट है कि गाड़ी बैठती है नहीं बैठती, क्या बैठती है, देखो थोड़ा सा तो होता है लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट होगी। वो क्यों मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे दिखाया था ये गाड़ी बैठती है, नो डाउट थोड़ी सी बैठती है, लेकिन इसके अंदर की स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। इस क्लैडिंग के ऊपर अगर मैं जगह दिखा दूँ तो इतनी जगह और है, मतलब 4 to 5 fingers की जगह आपको अंदर और मिलती है, तो इतना कोई प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा मेजर क्रिएट नहीं करेगा। सस्पेंशन इसके काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्टर साइड पे दिए गए हैं, तो आपको जो सिटी राइड है उसमें काफ़ी कंफर्ट मिलेगा इसको चलाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनफ स्पेस है भाई, आपका जो व्हील है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर मैं बिल्कुल इस आर्च के पास की जगह दिखा दूँ तो फिर भी ये 4 fingers तक की स्पेस बच जाती है, और ऊपर और भी ज़्यादा काफ़ी जगह है। तो आई थिंक ये चीज़ डाउट अगर जितने लोगों के माइंड में होगा वो क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं करेगा। और हाँ, सॉफ्टवेयर सस्पेंशन होने की वजह से जो सिटी राइड है वो आपको काफ़ी इंजॉयबल रहने वाली है, इवन हाईवे में भी आपको मज़ा आएगा। मैं प्रेफर करूँगा कि मैनुअल लो,
और भी ज़्यादा इंजॉय करोगे आप इस गाड़ी की राइड को और चलाने को भी। बाकी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे चलते हैं गाड़ी के अंदर। अभी देखो फुल ब्लैक में आपको यहाँ पे इसके डोर्स दिए गए हैं, जिसमें अनलॉक हैंडल और ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं। ड्राइवर साइड वन टच डाउन आ जाता है, ये चाइल्ड सेफ्टी और ORVMs के कंट्रोल आ जाते हैं। बॉटल होल्डर दिया गया है और काफ़ी बढ़िया चीज़, मतलब यहाँ पे आपको जो सीट्स है वो 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट आ जाती है, और ड्राइवर साइड आपको ये हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, तो फ्यूल लिड में आपको 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ से दिखा देता हूँ, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है फ्यूल टैंक। बाकी नीचे आपको डेड पेडल, ABC तीनों पेडल्स मिल जाते हैं, फ्यूज़ बॉक्स, ट्रैक्शन और यहाँ पे हेडलाइट लैडर दिया गया है। की इंसर्ट यहाँ पे आ जाता है। सो आपको दो कीज इसमें मिलेंगी, ये काइंड ऑफ अ स्मार्ट की मिल जाती है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और इसको होल्ड करके रखोगे तो जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाएगा, और दूसरी आपको नॉर्मल की मिलती है। तो अभी हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। इसके इंटीरियर्स की बात करें तो ऐसा बिल्कुल लोअर वेरिएंट वाला फील नहीं आता, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें इसमें अवेलेबल लगती है, जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पर डिस्प्ले, नीचे AC मैनुअल है, बट हाँ दिया तो गया है बट, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चार्जिंग के भी दिए गए हैं, टाइप सी और टाइप ए का, और 12 वोल्ट का जो सॉकेट है तो वो भी दिया गया। तो इस वजह से ये ऐसा लोअर वेरिएंट वाला इतना फील नहीं आता, क्योंकि फीचर्स यहाँ पे बहुत ही अवेलेबल हो जाते हैं। आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो ये क्लस्टर में आप चीज़ें चेंज करना चाहो यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन आप यहां से अपना इंफोटेनमेंट, ये जो डिस्प्ले दी गई है, इसको इस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, AM FM, और म्यूट कर देते हैं अभी। साउंड क्वालिटी अच्छी है यहां पे, आपको ऐसा नहीं है कि साउंड आपको बेकार देखने को मिलेगी, साउंड क्वालिटी आपको डिसेंट मिलेगी। सो 6 स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी यहां पे आपको ये मिल जाएंगे लाइट्स और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ की बात की जाए तो आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कापले दिया जाता है, ये ऑल मेन्यूज़ पे चले जाते हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको दिए गए, फ़ोन, मीडिया, क्वाइट मोड काफ़ी अच्छा है। मैनुअल सेटिंग्स में चले जाते हैं, तो सेटिंग्स में ये कुछ आपको साउंड, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले बटन, और यहाँ जनरल पे चले जाओगे तो ये आपको सिस्टम का जो इसका इन्फो है वो आ जाएगा, और टाइम टू टाइम अपडेट भी आपको इस पर मिलते रहता है। बाकी यहाँ से आप शॉर्टकट्स चले जाते हो सेटिंग्स में। नीचे की साइड AC वेंट अच्छे हैं, AC की कूलिंग आपको हर वेरिएंट में काफ़ी अच्छी मिलेगी, चाहे बेस वेरिएंट के ले लो या टॉप वेरिएंट के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये मैनुअल कंट्रोल्स के साथ आपको AC के आ जाते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, टाइप सी और टाइप ए के पोर्ट है, कुछ स्पेस यहाँ पे आ जाती है, और काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा स्मार्ट काम करते हैं। अमेज़ॉन वगैरह से ना आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, जो आप यहाँ 12 वोल्ट सॉकेट के साथ प्लग इन करते हो, और यहाँ पे आपका एज अ वायरलेस चार्जर वो बन जाता है। 5-speed मैनुअल विद रिवर्स आ जाता है, तो रिवर्स एक बार लेके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने रिवर्स ले लिया है, इसमें कोई कैमरा नहीं है बट हाँ पार्किंग सेंसर है, तो आपको इंडिकेशन यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो जाएगी। तो जो ओवरऑल डैश है काफ़ी सोबर सा लगता है, फुल ब्लैक इंटीरियर का काम किया गया है, बस यहाँ पे आपको थोड़े सिल्वर टचेस दिए गए हैं, और ये 3D पैटर्न भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, तो ये कुछ आपको इसका 3D पैटर्न मिलता है यहाँ पे, आप थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, और इसको ओपन कर लूँगा तो ग्लव बॉक्स भी डिसेंट है। बाकी AC वेंट्स जो साइड के हैं ये आपको सर्कुलर मिलेंगे, और ये आपको ये सिल्वर कलर की फिनिश मिलेगी, सो काफ़ी अच्छा आपको ये देखने में मिलेगा। पियानो ब्लैक यहाँ पे इसके सराउंड्स पे दिया गया है। देन सीट्स कम्फर्ट ये काफ़ी अच्छा है, साइड ग्रिप वगैरह दी गई है, बट हाँ हेडरेस्ट इसमें आपको फिक्स्ड मिलेगा, एडजस्टेबल नहीं आता, और इवन जो सीट बेल्ट है इसमें भी आपको माइनर सी एडजस्टमेंट मिलती है। ये आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, विच इज़ अ गुड थिंग। ऊपर की साइड आपको माइक्रोफोन दिया गया है, और यहाँ पे आपको दिया गया है सन ब्लाइंड विथ टिकट होल्डर, और दूसरी साइड आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर भी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एयरबैग्स आपको बेस वेरिएंट से ही 6 मिलेंगे, तो ये स्टैंडर्ड है, और इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिया जाता है, वो भी इसमें स्टैंडर्ड मिलेगा। बाकी यहाँ पे मैनुअल IRVM आपको दिया गया है डे नाइट के फीचर के साथ। ये ओवरऑल इसके फ्रंट का एक्सपीरियंस था। अब चलते हैं इसके रियर सीट्स पे। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड ही मिलेंगे, डोर ओपनिंग भी अच्छी खासी है, फुल रेक्टेंगुलर शेप के आपको डोर्स इसके मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक वर्क पूरा का पूरा ब्लैक दिया गया है। ये अनलॉक, यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के बटन मिल जाएंगे। बाकी ये आपको स्पीकर मिल जाता है यहाँ पे, बॉटल होल्डर, और गाड़ी के अंदर चलते हैं तो इसमें भी आपको प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है पार्सल ट्रे, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, बाकी इसमें तीसरा हेडरेस्ट भी नहीं है, और बीच में कोई भी आर्म रेस्ट, कप होल्डर्स वैसा कुछ नहीं दिया गया। तो यहाँ पे अभी मैं बैठ चुका हूँ। सेकंड रो कंफर्ट इसका
काफ़ी अच्छा है। एज़ अगर हम पंच से भी इसको कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा अच्छा कंफर्ट आपको मिलेगा। इवन जो अंडर थाई सपोर्ट है उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेग्स एंड नीज़ के लिए आपकी खुली सी जगह मिल जाती है, आप जितनी मर्ज़ी आगे रख सकते हो। इवन अगर मैं हेडरेस्ट बता दूँ तो ऊपर की जो स्पेस है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम डोर करते हैं क्लोज़, तो सबसे पहले विंडो की ओपनिंग देख लो, वाइड विंडो है, रेक्टेंगुलर शेप में, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने वाली बात ही नहीं है। आगे का ये आपको व्यू मिलेगा, ओवरऑल देखने में अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा आपको नियोस से सिमिलर लगेगा, तो वो एक चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। हाँ, नियोस जैसी ही लगती है अंदर से, ऐसा कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं है। ऊपर की साइड आपको यहाँ पे एक रीडिंग लाइट मिल जाती है येलो कलर की, आगे कोई भी लाइट नहीं दी गई ऐसा रीडिंग लाइट, बस बीच में एक दी गई है, तो ये है। यहाँ पे भी आपको एयरबैग्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जैसा कि 6 एयरबैग इसमें आते ही हैं। तो ऑल इन ऑल वेरिएंट और प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। अगर आप अभी नियोस वगैरह लेने का सोच रहे हैं तो आई थिंक ये वेरिएंट भी एक बेस्ट ऑप्शन है। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको ज़्यादा इन्जॉय होगा इस गाड़ी को चलाने में। इवन आप सिटी ड्राइव की बात करें या हाईवे ड्राइव की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेजर मिलेगा मैनुअल चलाने में। प्लस यहाँ पे आपको रियर सीट्स वालों को एक ये वेंट्स दिए गए हैं, फ्लो वगैरह यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और नीचे की साइड भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम्प बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। दो अडल्ट्स यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं, शॉर्टर जर्नी में तीन लोगों को भी बिठा दो तो हाँ गुजारा हो जाएगा, बट ऐसे तो ये दो अडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल है, और एक बच्चा वगैरह बैठ जाएगा तो ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे।